भारत जहाँ इस दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है। India will surpass China to become the world's most populous nation. पता है हमारे इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, मगर इनमें से सिर्फ 0.1% ऐसे हैं जिनके पास देश का 40% से भी ज्यादा पैसा है। यानी भारत की 14,225 बिलियन डॉलर की वेल्थ में से 5,761 बिलियन डॉलर ये सिर्फ 14 लाख लोगों के पास है। और आज भारत के टॉप 10% लोग हमारे देश के 72% वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। वर्ल्ड इनइक्वलिटी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इस दुनिया की सबसे अनइक्वल कंट्रीज में से एक है, और अमेरिका में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। वहाँ की 50% पॉपुलेशन मिलकर सिर्फ देश के 2% पैसों को कंट्रोल करती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है? ये अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि आज इनके पास दुनिया जहाँ के पैसे हैं? पैसों के बारे में आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो हम आम लोगों को नहीं मालूम है? और सबसे जरूरी कि आप आज से, इनफैक्ट अभी से ये सारी चीजें सीख कर कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो पैसों को लेकर आपकी जो सोच है वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी, और ये अमीर बनने की तरफ आपका पहला कदम होगा। Money. I make a lot of money because I understand the system. India's richest, the top 1% now hold more than 40% of the country's overall wealth. Most of us are never taught to think about money. जैसे गौतम अदानी की असली वेल्थ उनके बिजनेस में नहीं है बल्कि उनके बिजनेस बनाने की काबिलियत में है, इसी तरह मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की जो असली वेल्थ है वो उनके इन्वेस्टमेंट में नहीं बल्कि उनके इन्वेस्टमेंट करने की नॉलेज में है। और ऐसे ही आपकी वेल्थ आपकी जॉब से नहीं बनेगी, ना ही आपके डिग्री से, बल्कि आप अपने दिमाग में पैसों के बारे में क्या सोचते हो उससे बनेगी। क्योंकि असली मायनों में अमीर वो है जिससे आप उसकी सारी वेल्थ सारे पैसे भी छीन लो तो भी वो वापस से सब कुछ बना लेगा जो आपने उससे छीना है। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है पर ये होगा जरूर, क्योंकि पैसे कमाने का जो एक्चुअल खेल है वो दिमाग का है। बचपन से ही हम सबको पैसे के बारे में यही सिखाया गया है कि पैसे कमाने का एक ही रास्ता है, आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स लाने होंगे जिससे आपको एक जबरदस्त सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी, फिर उस जॉब से मिलने वाले पैसों को आप सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे और 60 साल की उम्र तक आप काम करते रहोगे, तब जाके रिटायरमेंट के टाइम पर आपके पास करोड़ों रुपए होंगे। ऐसा इसलिए है ना दोस्तों क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें जॉब के लिए ही ट्रेन किया है। इनफैक्ट स्कूल और कॉलेजेस में जो बिजनेस के बारे में हमें पढ़ाया जाता है उसका पर्पस ये नहीं होता कि आप खुद का बिजनेस कर पाओ बल्कि आप उस बिजनेस को समझकर उसमें एक जॉब ले पाओ। पर एक हैरानी की बात पता है क्या है? पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि काम को करने के लिए आप खुद को जितना टाइम दोगे ना आपको वो काम करने में उतना ही टाइम लगेगा। अगर आपने अमीर बनने के लिए खुद को 60 साल दिया ना तो आपका दिमाग उसी हिसाब से सोचेगा, वो भी जॉब वाला रास्ता ही अपनाएगा जहाँ पर आपको अमीर बनने के लिए 60 साल लग जाएंगे। पर अगर आपने अपने आप को 10 साल दिया तो आपका दिमाग उसी तरीकों को ढूंढेगा जिससे 10 साल में अमीर बनाया जा सकता है। एंड बिलीव मी आपको 10 साल ही लगेंगे, ये कोई हवा में बात नहीं है बल्कि दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि आने वाले कुछ सेकंड में ये चीज काम कैसे करती है आपको डिटेल में पता लगने वाला है। पर सबसे पहले तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि अमीर बनने के लिए जॉब के अलावा भी कई रास्ते हैं जो कि सच में कन्वेंशनल जॉब वाले रास्ते से ज्यादा आसान है। सीरियसली आज के टाइम में अमीर बनना माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने से ज्यादा आसान है। यही रीजन है कि आज इंडिया में 7,69,416 मिलियनर है, यही कि वो लोग जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और आप मानोगे नहीं पर ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना आसान है तो सब लोग अमीर क्यों नहीं बन जाते? वेल, इसके दो कारण है। पहला तो इट इज इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल कि सब लोग अमीर बन जाए, क्योंकि अगर सब लोग अमीर बन जाएंगे तो कोई अमीर ही नहीं बचेगा, इसलिए हर कोई अमीर नहीं बन सकता। पर जो दूसरा कारण है वो एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एंड बिलीव मी अगर आपने इसको ठीक से कर लिया तो आप फाइनेंशियली आज आप जहाँ पर हो उससे कई ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। और ये जो चीज है इसको कहते हैं पर्सनल फाइनेंस स्टेटमेंट, जिसमें ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है। पहला इनकम स्टेटमेंट जो कि हमें ये बताता है कि हमारे पैसे आ कहाँ से रहे हैं, मतलब कि हमारा इनकम का सोर्स क्या क्या है और हमारा पैसा आखिर खर्चा कहाँ पर हो रहा है, मतलब कि हमारे एक्सपेंसेस क्या क्या है। पर जो बैलेंस शीट है वो हमें ये आती है कि हमारे पास कौन कौन सा एसेट्स हैं और हमारी कितनी लायबिलिटीज है। अब एक बार इसको जरा ध्यान से देखना क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों का हिसाब कुछ ऐसा ही दिखता है। हमें हमारे जॉब से पैसे आते हैं उसके बाद हम कुछ खर्चे करते हैं जैसे खाना, ट्रेवल, कपड़ा, फिर हमारी कुछ लायबिलिटीज भी होती है जैसे कि गाड़ी की EMI, घर की EMI, क्रेडिट कार्ड की बिल्स, जिसके बाद महीने के एंड तक आते आते हमारे हाथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते। नीचे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो। जैसे ही सैलरी आती है अकाउंट में पैसे जैसे ही क्रेडिट होते हैं बस कुछ दिन और वो पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन यहीं पर कुछ स्मार्ट लोग भी होते हैं और हमें उन्हीं की तरह बनना है क्योंकि उनका हिसाब कुछ ऐसा दिखता है। जब भी ये लोग पैसे कमाते हैं ये सबसे पहले अपने सारे खर्चे कवर करते हैं, मगर उसके बाद सबसे पहले ये लोग जो खरीदते हैं वो है एसेट्स। अब ऐसा नहीं है कि इनके पास घर, गाड़ी, क्रेडिट कार्ड ये सब लायबिलिटीज नहीं होते, पर उसके बावजूद भी ये लोग पहले स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स ऐसे एसेट्स के लिए पैसे साइड रखते हैं। पर अगर आप यहाँ पर चाहो तो एक छोटा सा बदलाव करके अपने आने वाले कई साल को बदल सकते हो। बस आपको करना इतना है कि अगले
पहली बार जब आपके पास पैसे आए, पे योर सेल्फ फर्स्ट। आपने जितने भी पैसे कमाए हो, कुछ भी करने से पहले खुद को 10-20% पे करो, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो कुछ वक्त बाद जादू होगा, क्योंकि ये जो पैसे आप खुद को दोगे ना, ये धीरे धीरे एक अच्छा अमाउंट बन जाता है। और जैसे ही ऐसा हो, सबसे पहले इन पैसों से एसेट खरीदो, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना, उन्होंने ऐसा ही किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।